हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं मोबाइल सेटअप, आपको दिखाने वाले हैं कि मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए मैंने क्या क्या चीज़ लिया हुआ है और किन किन चीज़ों से मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक्चुअली मैं वीडियो कोई DSLR से नहीं बनाता, जितना भी वीडियो होता है सब मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ। और मेरा एक तो अपना जो AC का जॉब हो या AC का काम सीखने का, या AC का अनबॉक्सिंग वगैरह का चैनल है ही है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा चैनल अपना ब्लॉगिंग का है, जो कि वो उसके लिए ही मैंने ये सारे सामान को लिया हुआ है। तो उसके लिए किन किन चीज़ की क्या क्या चीज़ लिए हुए हैं और कितना पड़ रहा है टोटल प्राइस, पूरा फुल सेटअप आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं मैंने लिया है, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तो आपका बोया है M1 माइक्रोफोन का है, जो कि 600-700 के आसपास में मिल जाता है। तो लेकिन ब्लॉगिंग के लिए आप उस माइक से नहीं यूज कर सकते, आपको ऐसा माइक चाहिए जो कि मैं दिखाऊंगा। तो एक हमने लिया हुआ है जो कि हमें पड़ा हुआ है 1500 के 1600 के आसपास में। तो आप ये ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं, ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे यूज करें, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मोबाइल से करें तो भी, DSLR से करें तो भी, ये आपको चाहिए होगा। एक नंबर ये हो गया जो कि 1400-1500 के आसपास में पड़ता है। दूसरा नंबर ये आपका मोबाइल होल्डर है, जो कि आप ये पूरा फुल्ली मेटल का आता है, ये मैंने लिया हुआ था 1200 के आसपास में, जिसका प्राइस इसमें 2000 के आसपास है, लेकिन मैंने 1200 में लिया हुआ था और काफ़ी बढ़िया है। तो इसको भी यूज करेंगे उसी सेटअप के साथ। उसके बाद में ये अपना आ गया एक गोरिल्ला फोर ट्राइपॉड बोल सकते हैं इसे, तो ये हमने लिया था 350 के आसपास में हमने लिया हुआ था। तो ये हो गया, बस इतना चीज़ से आप ब्लॉगिंग पूरा कंप्लीट आपका ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इसको पहले करते हैं सेट, और सेट करने के बाद में देखने में कैसा लगता है तो वो देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसे खोलेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बहुत जल्द मैं डेली ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ, तो अभी थोड़ा आप जान ही रहे हैं कि अभी हर चीज़ पार्क वगैरह या कोई भी घूमने वाला जगह खुला हुआ नहीं है, इसलिए ब्लॉगिंग चैनल पे मेरा उतना वीडियो आ नहीं रहा, लेकिन जल्द ही आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का दिखता है, और इसको जितना आप चाहे ऊपर जितना बड़ा मोबाइल हो आपका वो लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये कर लेंगे, इसको लगा देंगे ऐसे, खोल कर भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद में अब अपना ये मोबाइल फ़ोन मैंने दिखाने के लिए लिया हुआ है, हालांकि ये मोबाइल ओल्ड मॉडल का है, इसका कैमरा क्वालिटी आप भी जानते हैं कैसा टाइप का होगा, ये मैं यूज़ भी नहीं करता, ऐसे रखा हुआ है। लेकिन मैं एक्चुअली मोबाइल यूज़ करता हूँ सैमसंग का A30। ठीक है, जिसमें मुझे कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलता है, वाइड एंगल भी मिल जाता है, तो मैं उससे ही काम चला रहा हूँ और देखते हैं बाद में क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, आप भी ज़रूरी नहीं है DSLR लो, मोबाइल से शुरू कर दो बस, अगर करना है तो शुरू कर ही दो। उसके बाद में इसको हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल टाइट हो जाता है। और ये मैंने क्यों लिया है वो बता देता हूँ। पहले का हमारा क्या था कि अपना ये इसके साथ आता है, तो इसमें आप सिर्फ मोबाइल को लगा सकते हो, यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा जिसमें आपको माइक्रोफोन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये चीज़ लेना ज़रूरी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लिए यहाँ पे। अब हम करते हैं इसको और इसको खोलते हैं। खोलने के बाद में क्या है कि अपना तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए किन किन चीज़ों में, टोटल प्राइस मैं बता दूंगा कितना खर्चा टोटल पड़ा हुआ है। तो हमने इस डब्बा को भी साइड करना है, ठीक है, इसे भी साइड कर रहे हैं। और ये अपना आ गया माइक्रोफोन, तो सिंपल ये इसका मेन है, देख सकते हैं इसका माइक ये रहा, जो कि आपको मैंने पहले वाला वीडियो में भी दिखाया हुआ है, ये माइक होता है। और तो उसके बाद में इसका स्टैंड आ गया, तो स्टैंड को हम यहाँ लगाएंगे और देखें कैसे लगता है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे डाल देंगे और उसके बाद में इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद में पूरा लग जाएगा, फिटिंग हो जाएगा बढ़िया से। और ये देखें, देख सकते हैं आप। उसके बाद में हम ये डेड कैम्प है, जो कि आपका बाहर का जो भी नॉइस हो उसको काफ़ी क्लियर करता है, ताकि आपका साउंड भी एक क्लियर आता है। उसके बाद में हम एक पिन आता है जो कि DSLR2 माइक्रोफोन के लिए होता है, तो इसको हमने यूज करने वाले हैं। उसके बाद में ये जो अपना आता है ये मोबाइल 2 माइक्रोफोन के लिए आता है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ लगा लेंगे
और उसके बाद में इसको माइक्रोफोन में लगा लेंगे। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ लग जाएगा यहाँ पे। तो हो गया फुल्ली कंप्लीट। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल किस प्रकार का दिख रहा है अपना मोबाइल, इस प्रकार का होगा। और इसका रिव्यू साउंड क्वालिटी आप आने वाले वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा कि कैसा साउंड है। और बोया का चाहे जो भी माइक हो सब बढ़िया ही होता है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से पूरा दिखता है, ये आपको लेना ज़रूरी पड़ेगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया 350 और इधर 1200 यानी 1550, 1550 और फिर से 1500, तो हो गया कितना टोटल 3050। ये इतना आपको चीज़ लेना होगा। और मोबाइल तो आपके पास होता ही है, तो इन चीज़ को आप ले लिए तो समझिए आप कहीं भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। देखिए देखने में कितना बढ़िया दिखता है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से डायरेक्ट ले और वीडियो बनाए एकदम इस तरफ से, ठीक है। और मैं ज़्यादातर फ्रंट का कैमरा, मैं बैक कैमरा ही यूज करता हूँ क्योंकि बैक कैमरा मेरा सैमसंग A30 है, तो उसमें मुझे बैक कैमरा में ना वाइट एंगल मिलता है, मगर जो सामने का कैमरा है उसमें मुझे वाइट एंगल नहीं मिलता। तो मैं लेंस पे देखकर ही हमेशा वीडियो बनाता हूँ। मैं उधर रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल को अपना घुमा लेता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं हाथ से ही बनाता था, अब हम इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता था आके। तो इसलिए अब अपना फुल सेटअप है, तो इससे क्या होगा अपना काफ़ी सारा वीडियो बनने वाला है। और बहुत जल्द डेली ब्लॉग्स मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं डेली क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो आप सब बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। तो जल्द अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटे को दबाइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।